नाजरीन आदाब, न्यूज एक्सप्रेस देखने वाले तमाम नाजरीन का न्यूज एक्सप्रेस की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम है। भैंसे में तशद्दुद के बाद आज 13वें दिन में पुलिस की जानिब से इम्तनाई अहकामात पर सख्ती के साथ अमल आवरी की जा रही है और आज जुमा के पेश नजर शहर में सख्त सयानती इंतजाम करते हुए नमाज जुमा को मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को ही नमाज अदायगी के लिए इजाजत दी गई, जिसकी वजह से ज्यादातर अफराद नमाज अपने मकानों पर अदा करते हुए नजर आए हैं। भैंसे में पेशाए तशद्दुद के आज 2 हफ्ता गुजरने को है, लेकिन पुलिस की जानिब से सयानती इंतजाम पूरी तरह जारी है और आज जुमा के पेश नजर पुलिस की जानिब से सख्त सयानती बंदोबस्त किए गए थे और गुज़िश्ता रात शहर के तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान इमाम और उलमा इकराम को भैंसा पुलिस स्टेशन तलब करते हुए एएसपी करण प्रभाकर खेर उलमा इकराम से बातचीत करते हुए तमाम हालात से वाकिफियत हासिल की और इन्हें जुम्मा के नमाज के लिए मस्जिद में सिर्फ 5 अफराद को नमाज पढ़ने की हिदायत दी, जिस पर उलमा इकराम ने कहा कि हम हमेशा से ही पुलिस का ताउन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे और अमन की बरकरारी के लिए हम पुलिस के साथ बराबर ताउन करेंगे। पुलिस की इस हिदायत पर अमलवारी करते हुए उलमा इकराम ने तमाम मसाजिद में ऐलान करवा दिया और नमाज जुमा सिर्फ चंद ही अफराद पर नमाज जुमा की अदा की गई, जबकि कई अफराद अपने मकानों में ही नमाज अदा करते हुए देखे गए। एएसपी किरण प्रभाकर खेर ने आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए तमाम हालात और बंदोबस्त का जायजा लिया। इसके अलावा मस्जिद पंजेशा के अलावा दिगर शहर के मुख्तलिफ मसाजिद के करीब जाकर तमाम हालात का मायना किया और कहा कि शहर के हालात पूरी तरह मामूल पर आ चुके हैं, तमाम तिजारती कारोबार और स्कूल खोले जा रहे हैं, सुबह 7 बजे तक शाम 4 बजे तक नरमी दी जा रही है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से सीसी कैमरों के जरिए खातिये की निशानदेही करते हुए गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और आज भी शहर में इंटरनेट सर्विस पूरी तरह मुअत्तल है और दफ़ा 144 पर सख्ती के साथ अमलवारी की जा रही है। इंटरनेट सर्विस बंद रहने की वजह से ऑनलाइन सर्विस के कारोबार पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। इसके अलावा बस सर्विस को बस स्टैंड में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में दाखिल होने के लिए कोई दूसरी सवारी का इंतज़ाम मौजूद नहीं है।
नाजरीन ये थी अब तक की खबरें जो SS डिजिटल नेटवर्क देखने वाले तमाम नाजरीन SS चैनल नंबर 13 जो SS मूवीज चैनल है जिस पर रोजाना न्यूज एक्सप्रेस की उर्दू खबरें शाम 9:30 बजे और सुबह 8:30 बजे देख सकते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर देखने वाले तमाम नाजरीन न्यूज एक्सप्रेस की खबरें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज एक्सप्रेस BNS को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जबकि हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर न्यूज एक्सप्रेस BNS को फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।